हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी पालक पनीर की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो पालक लिया है, उसे पहले अच्छे से वॉश करके और उसकी डंडी तोड़ के आप रख लें। उसके बाद इसे 3 से 4 जग उबलते हुए पानी में हम इसे जस्ट ब्लांच करेंगे, पानी में डालेंगे, 2-3 मिनट उसको रखेंगे और उसके बाद उसे सीधे ठंडे पानी में डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा न्यूट्रिशन भी बरकरार रहेगा और ये कलर भी इसका चेंज नहीं होगा। ओके, तो फिर उसके बाद हम सीधे उसे ठंडे पानी में डालकर, जैसे ही हमारा पालक ठंडा हो जाए, उसे हम छान लेंगे। छानने के बाद हमें क्या करना है कि इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो एक बड़ा सा जार लेंगे, उसके अंदर अपनी पालक और उसमें धनिया की पत्ती, ढेर सारी धनिया की पत्ती आप डालें, कंजूसी बिल्कुल ना करें, और उसमें 3-4 हरी मिर्ची और 2 टमाटर डालकर एक फाइन पेस्ट बना लें इसका। आप देख सकते हैं, अगर पेस्ट आपको ज़्यादा ठीक लगे तो थोड़ा पानी ऐड कर देंगे इसमें। बहुत ही फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। तो अब कढ़ाई ले लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें मेथी दाना और 3 से 4 कली लहसुन के लेना है और उसको बारीक बारीक आप काट लिए और उसके अंदर डाल देंगे और 2 लाल मिर्ची इसके अंदर डालेंगे और जैसे ही इसमें चटकने की आवाज़ आएगी आपको, आप इसमें डाल देंगे अपनी प्यूरी को। प्यूरी को डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसमें हम ज़्यादा कुछ भी मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी गर्म मसाला और हल्दी इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हैं इसका, क्योंकि हमने इसको ओवर कुक नहीं किया है, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक कर आप पकने देना, ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसको ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें हम अब ऐड करेंगे नमक, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पनीर, पनीर मैंने लिया है 300 ग्राम और पनीर को आप चाहे तो फ्राई करके ऐड कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही डाल सकते हैं बिना फ्राई किए। बिना फ्राई किए का टेस्ट ही अलग आता है, क्रीमी क्रीमी सा, ओके। तो पनीर डालने के बाद इसको ढककर 6 से 7 मिनट तक आप इसे कुक होने दें। उसके बाद हम देखिए अब डालेंगे इसमें बटर, 2 टेबल स्पून बटर इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। लो जी, हमारी पालक पनीर बनके तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे और नान के साथ ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।